ये देखो जाना तो ये कहा है का बाईलाइन का होता है। अरे नहीं नहीं टाटा बाय बाय वाला नहीं, पहले ना हमका भी ऐसा नहीं लागत है कि लेट पढ़ लिया उसके बाद टाटा बाय बाय, पर ऐसा नहीं होता है क्या है कि यहाँ ना पत्रकार का नाम लिखा होता है। हमका बाबू साहब बताए रहे बाबू साहब का ख्याल रखिए, हम चले थे। दर्शन करके जल्दी से फिर जाके नाश्ते की तैयारी करते। भाभी एक बात समझ में नहीं आ रही मेरी, सुबह से यही आर्टिकल बार बार सामने आया जा रहा है। ऐसा क्या है इस आर्टिकल में? अरे वो ही आर्टिकल है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। अच्छा तू इस आर्टिकल की बात कर रही थी? पता नहीं किस समझदार ने लिखा है ये आर्टिकल, लेकिन जिसने भी लिखा है उसके घर वाले कितने खुश हुए होंगे ना इसे पढ़कर। तो ये ना खुश, हमें वो समझदार आप बायलाइन नहीं पढ़ी है इमली। देखिए हम कहीं नहीं अखबार वाले ने ज्यादा जगह नहीं देता, नहीं तो हम आपका अम्मा का बड़की काके का तीनों का नाम लिख देते रहे और पूरी दुनिया को बता देते हैं कि तीन समझदार लेडीज यहाँ रहते रहते ना इमली थोड़ी समझदार हो गई। हम कहाँ समझदार है बेटा, होते तो तुझे पहले ही नहीं अपना लिया होता, फिर तेरे साथ वो सब होता ही नहीं जो हुआ। देखिए मैं एक बात तो है, गांव हो या शहर हो लेकिन माँ लोगों को ना सिर्फ रोए के खातिर बहाना चाहिए। आप रोइए नहीं ना, जो मांगे खातिर आइए मांगे। मांग लिया कि इमली और आदित्य की लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए और हमारी प्यारी इमली जल्दी से घर लौट आए। भैया की मर्जी हुई है, हम आ जाइए जरूर आइए। भैया हमका ऑफिस के खातिर देर होता है, हम चले थे ठीक है, ख्याल रखिए जैसे तुम्हें आके। ये तो चली जाती है बस हमारे लिए इंतजार छोड़ जाती है, पता नहीं कब खत्म होगा ये सब, कब घर वापस आएगी। जल्दी मिलेंगे अपन, तो देखना देवी माँ इमली के जीवन में भी जल्दी खुशियां लाएगी। ले रही हो? नहीं सर सॉरी। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम, ऑफिस क्यों नहीं गई? बस ये दर्शन करे खाते रह रहे हैं, जाते ही रहे। ए इमली यू हियर, गुड मीटिंग यू दोबारा। गुड हियर आल्सो, आप व्हाट यू डू हियर? यू डू पूजा? पूजा ओवर? नो वी जस्ट कम एंड लिसन। Hi and Arpita, read newspaper today. Done well, very done well. Thank you. क्या well? एक ही तो काम ढंग से किया अब तक इसने। आपकी पूजा की थाल भी गिरा दी। Sorry. चलो जाओ यहाँ से। You no worry. I buy more flour. अरे आप अकेले कहे जाएंगे, हम चले थे ना आपके साथ। You go office ना? तभी तो यू फास्ट रनिंग तो प्लीज गो ऑफिस। सुना है तेरा बॉस बहुत खड़ूस है। हो गया चलो जाओ भी। स्टॉप,
अरुण यू गो ऑल्सो ऑफिस ना, तो तू इसको साथ में लेके जा। बिल्कुल नहीं, नहीं। हम इनके साथ नहीं जाएंगे, काहे कि गाड़ी ना बहुत ही ज्यादा फास्ट चलावत है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसने है? ये अपन गाड़ी इतनी तेज चलावा था ना, जैसे नीके पीछे कौन सुटली मम की लड़ी बांध के भाग गवाओ। ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है, ये और की गाड़ी ना ऐसा दौड़ता है, ऐसा दौड़ता है जैसे इना मंदिर से अपन गर्लफ्रेंड को उठा के भागा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा है, ऐसा है। आप खुद बताइए, नाश्ता करोगे सुबह? क्या नाश्ता? Sometime. कहे कि आप पूछे तो ये कि नाश्ता करिए कि नहीं, तो ये क्या कहते हैं? हमार फास्ट टाइम ब्रेक नहीं लगाई है। Shut up. अरु माँ, ऐसा कुछ नहीं है और मैं इसे ऑफिस नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे आपको घर भी तो छोड़ना है। नो, हाई कॉल ड्राइवर, अभी तेरे साथ की इसे जरूरत है, ले जाए इसे अपने साथ। इसे कोई जरूरत नहीं है। देखा आपने? तुम सेम चीज क्यों बोल रहे हो? हम कहीं नहीं जाना हमारे साथ। आई नो अनु, बट गो टू टुगेदर, गो ऑफिस टुगेदर। हाँ? अरु गो, बाय बेटा। पगली 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 मैं झल्ली, आसमां में उड़ने चली पानी की मछली। दुनिया की फिकर न मुझे है कोई परवाह, अपने दिल की रानी हूँ चाहे जेब की कंगली। अरे हट जा रहा हूँ से कट जा, अरे तू मेरे आड़े मत आ रे। मैं झल्ली पटाखा हूँ पटाखा, मैं झल्ली पटाखा हूँ पटाखा। आज सुबह सुबह देवी माँ के साथ साथ इमली से भी मुलाकात हो गई मंदिर में। सच में? हाँ। और नहीं तो क्या अपना सुबह सुबह झूठ बोलेगी? अरे बिजी है वो, इतना काम होगा उसे, लेकिन फिर भी अपना आर्टिकल देवी माँ से आशीर्वाद के लिए ले आई थी। अब कैसी है मैम वो? इतने दिन हो गए हमारी तो उससे बात तक नहीं हुई। वो बहुत खुश लग रही थी। अरे माँ खुश तो होगी ना, उसका पहला असाइनमेंट का जो आर्टिकल है वो कहाँ निकला है? फ्रंट पेज पे। तो मैम कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, इसीलिए आज मैं खूब जलेबी खाने वाला हूँ। आओ भी खाओ। माँ, इमली से आपकी क्या बातें हुई? उसने आज की कामयाबी के लिए आदित्य को क्रेडिट तो दिया होगा ना? ये सब कुछ जो हुआ है वो आदित्य की वजह से तो हुआ है। आदित्य ने हमेशा उसे सपोर्ट किया है, उसे सिखाया है। इनफैक्ट इस आर्टिकल की रिसर्च के लिए भी वो खुद उसे साथ लेकर गए थे, अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आपके जरिए उसने आदित्य को थैंक यू भी नहीं कहलवाया। आदित्य ये बेसिक मैनर्स है, मुझे ये बिहेवियर बहुत खटका। जब वो यहाँ रहती थी तो आपके आगे पीछे घूमती थी, अब कोई और उसे सपोर्ट के लिए मिल गया तो वो उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। आप नहीं, अब शायद उसके आगे पीछे घूमती होगी। जो भी हो आदित्य, पुराने रिश्तों की अहमियत ऐसे ही खत्म नहीं होती। हमारे बीच वो रिश्ता नहीं रहा, लेकिन दोस्ती का रिश्ता तो है। भले आपका आर्टिकल फ्रंट पेज पे ना आया हो, मैंने फिर भी उसे अपने स्क्रैप बुक में सेव किया है, क्योंकि मैं रिश्तों की अहमियत को जानती हूँ। आप सबने उसके लिए बहुत कुछ किया है आदित्य, आई अंडरस्टैंड। इमली को सहारे की जरूरत है और वो जल्दी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहती है, बट दिस इज नॉट डन। मालिनी, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। एटलीस्ट हमारी इमली ऐसी नहीं, किसी के आगे पीछे घूमने वाली लड़कियों में से नहीं है वो, ना ही उसे किसी आदमी के सहारे की जरूरत। अपने लिए अकेली काफी है, इतनी स्ट्रांग है कि घर छोड़कर हॉस्टल चली गई,
सुपर टैलेंटेड सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है वो, किसी और की तरह नहीं कि किसी और के घर में पढ़े हो। रूपी, मुझे लगता है हमें बातें करने की बजाय इमली से कुछ सीख लेना चाहिए। क्या करें? आप लोगों को सिर्फ इस बात पर इतना गर्व हो रहा है कि इमली अकेली हॉस्टल में रहती है, ये घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू। किस लिए? हमारी लेख छापे के खातिर। आप नहीं जानते कि ही हमका ना ही। तुम अपना काम कर रही थी और मैंने अपना काम किया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। गांव वाली फिर इसी बड़ी गाड़ी वाले हीरो के साथ? हॉस्टल में तो कह रही थी चाय समोसे के भी पैसे नहीं है, और अब अमीरों के साथ घूम रही है, हा? इसको तो मैं शाम को देख लूंगी। पिंजरे से बाहर निकलने के लिए परिंदे को बड़ फड़फड़ाने पड़ते हैं, और जो इतनी हिम्मत कर ले आर्यन उसे उड़ान भी देता है, आसमान भी देता है, और तीसरी बात उधार रही। देखो अब हमें बात सुनो मिस्टर बातों के क्रेडिट कार्ड, हमका ना उधार देवे में इंटरेस्ट है। ले वे में नहीं है, तो अगर कोनो बात कहे क्या तो एक बार में सीधा दादा कह दो, वरना मत ही कहो जैसे समय है। तुम्हारी स्टोरी में दम था, पर ना मिस्टर त्रिपाठी की स्टोरी के आगे तुम्हारी स्टोरी फ्रंट पेज पर नहीं छपती। दैट्स ऑल। तुम बाबू साहब की स्टोरी क्या? ये अपने आप में क्या बातें कर रही हो तुम? सर आप आदित्य सर की लेख की जगह हमारे लेख छाप दी। हाँ ये बात बिल्कुल गलत है, सीधा नहीं। ये अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो अपने रास्ते पर ध्यान रखो, साथ चलने वाली भीड़ पर नहीं। भीड़ नहीं है, वो बहुत अच्छे पत्रकार है, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उनका लेख हमारे लेख से हजार गुना ज्यादा बेहतर हुई है। तुम्हें मिस्टर त्रिपाठी की इतनी चिंता क्यों है? कुछ पूछा मैंने तुमसे, इतनी चिंता क्यों है? तुम्हारे लिए मिस्टर त्रिपाठी इतनी स्पेशल क्यों है? हमरे सीनियर है ना, हमरे मेंटर है, इसे हम इज्जत करते हो कि हमेशा फोन पे लगा रहा था। याद है कि भूल गया इमली से मिलने जाने का दिन हमारा है आज? याद है, भूलूंगा क्यों? अब लेकिन दीदी एक बात बोले, ये हम लोग सीनियर सिटीजन की तरीके इमली के लिए लड्डू मेथी के पराठे और वो सूप लेके नहीं। मैं सोच रही थी कि हमें कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए। आई मीन इमली की लाइफ का कितना बड़ा दिन है मेरे भाई, बहुत बड़ा अचीवमेंट है उसके लिए, सेलिब्रेशन भी उतना बड़ा होना चाहिए। अब हाँ दीदी, सेलिब्रेशन तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन सच को तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आदि और इमली के रिश्ते में सारी चीजें सही नहीं होंगी, आई डोंट थिंक सो कि इमली उसको सेलिब्रेट करेगी। यार वो भी तो है, बैक टू स्क्वायर वन। मैं सोच रही हूँ कि हम आदि भाई को इमली से मिलाने के लिए चुपके से ले जाते हैं। गुड आइडिया दीदी। क्या आइडिया, अरे कमाल का आइडिया। दीवारों के भी कान होते मेरे भाई, कहीं अनु आंटी की लाडली ने सुन लिया ना अड़ंगी डाल दी। चुपके से निकल लेते हैं। मिल गया रास्ता।
मेरी समझ में नहीं आ रहा आपका सीईओ इमली में इतना पर्सनल इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। एक सीनियर जर्नलिस्ट का आर्टिकल हटा के इंटर्न जब वो यहाँ रहती थी तो आपके आगे पीछे घूमती थी, अब कोई और उसे सपोर्ट के लिए मिल गया तो वो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आदित्य आई अंडरस्टैंड इमली को सहारे की ज़रूरत है और वो जल्दी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहती है, बट दिस इज़ नॉट डन। बाबू साहब हमारा आर्टिकल पढ़ के खुश हुए हुए हैं, अब हम कसबासी भी दिए। आर्टिकल छापा यार, ऐसे एज में तो मैं पापा की चिट्ठियां भी नहीं लिख पाता था। इमली ने तो कमाल कर दिया यार, लगता है तूने उसे आइडिया दिया होगा। सीईओ साहब ने उसका आर्टिकल फ्रंट पेज पे छाप दिया है। हाँ पढ़ा हमने, बहुत अच्छा आर्टिकल है, लेकिन तुम जानते हो हमने तुम्हारे कितने आर्टिकल्स पढ़े? एक भी नहीं, क्योंकि आज तक तुम्हारा कोई आर्टिकल अखबार में छपाई नहीं। तुम पर कोई ये मेहरबानी नहीं करने वाला, तो तुम अपने काम पर ध्यान दो, अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, जाओ अपना काम करो। अरे देख क्या रहे हो, जाओ जाओ अपना काम करो, हमें तुम्हारा आर्टिकल पढ़ना है भाई, जाओ। बाबू साहब अब मुझे आर्टिकल में कुछ गलती हुई है, आपको अच्छा नहीं लगा? अखबार सिर्फ एक दिन या एक रात का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस 24 घंटे 365 दिन चलता है, तो इसमें एक आर्टिकल, एक हेडलाइन, एक इंसान इतना इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता। हम ये कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारा पहला आर्टिकल था इमली, और इसे छठे पन्ने पे छपना चाहिए था जहाँ पे आम खबरें छपती हैं, लेकिन इस इंसान ने तुम्हारा पहला ही आर्टिकल सीधे फ्रंट पेज पे छाप दिया। ये सही तरीका नहीं है। तुम और मिस्टर राठौड़ बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी फ्रंट पेज, ये ठीक नहीं है। बाबू साहब हम पे भरोसा नहीं कर रहे थे, पर शक भी नहीं किए कभी, आज आप हमारी काबिलियत पे शक कर रहे थे। हमें तुम्हारी काबिलियत पर शक है? इमली हमें उस इंसान के काम करने का तरीका पसंद नहीं आता। अब उसे हम समझ नहीं पाते कि आप कहाँ गलत हैं, पर हम इतना समझ गए कि आपको ना हम गलत ही लगने लगे हैं। कुछ कर ले हम हमेशा आपको गलत लगेंगे, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आप खुद आके हमसे कुछ कह सके। खटी खटी बातें, अजीब से सवाल। आप तुमसे एक सवाल पूछ लिया था तो हमारी पूरी जिंदगी बदल गई, अब तुमसे कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं बची हमें, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो छोड़ो इस बात को, बात ही नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कह रहे हैं तुमसे। आदित्य तुम लोग ऑफिस में लड़ रहे हो, इसीलिए कपल्स के साथ काम करना इतना मुश्किल होता है। पति पत्नी को जहाँ थोड़ा सा वक्त दे दो, दो मिनट में बस वो वहीं झगड़ने लगते हैं, झगड़ा बंद करो। ये लड़की आदित्य कुमार त्रिपाठी की बीवी है। सर आपका एक साइन बाकी रह गया था।
दैट मींस ये शादीशुदा है लेकिन अलग है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।